हम भी नहीं चाहते किसी को हाथ फैलाने पे मजबूर किया दिया, लेकिन देश की हालात आपने ऐसे कर दी है, इतनी महंगाई बढ़ा दिया कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। डिपुओं पे खड़ा हो जाएंगे और फ्री राशन बांटेंगे, मतलब राशन के बदले में वोट देंगे आप। 50+ का नारा भाजपा का है, देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, देते रहे, दिलों में वो जगह नहीं बना पाए हैं, दिल से लोगों ने उनको निकाल दिया है। आप ही आप चल रहा है लोगों के दिलों में, देखिए लोगों के दिल में है ना, ये मेरे और आपके कहने से नहीं होगा। आम आदमी जिसको पूछेंगे तो वो कहता है कि इस बार हमने झाड़ू चलाना है। देखिए सबसे बड़ा मसला जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का है, तरक्की का है, और ये तरक्की का मसला सिर्फ जम्मू के अंदर ही नहीं, कश्मीर के नहीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर है। और आज लोग ये बात समझ चुके हैं कि हमें रिलीजन और रीजन के नाम से 70-75 वर्ष तक जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिन लीडर्स ने हमें लड़वाया, आज हमारे स्कूल्स की हालात देखिए, आज हमारे हॉस्पिटल्स की हालात देखिए, आज हमारी सड़कों की हालात देखिए, आज हमारी बिजली पानी की हालात देखिए। जब लोग दिल्ली का केजरीवाल मॉडल देख रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक है और हर फैसिलिटी वहाँ पे है, जब वहाँ का मॉडल देखते हैं कि बिजली आपको इतने यूनिट तक, आप गरीब लोग हैं, पैसा तो जो बिल्कुल आज क्रश हो चुका है, जो गरीब आदमी है उसके पास किराया देने के लिए पैसा नहीं है, वो मॉडल लोग देख रहे हैं। आज आपके स्कूल्स का मॉडल जो दिल्ली का देख रहे हैं, ये सारे लोग, आम आदमी ये चाहता है कि हमें भी वो फैसिलिटीज़ जम्मू कश्मीर के अंदर मिलें, और वही मॉडल यहाँ पे लोग चाहते हैं, और उसी मॉडल को लेके आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। पहले राणा जी सांबा में पहुंचे हुए थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए उनके कहने से कुछ नहीं होता, वो तो बड़ा कुछ कहते रहते हैं, उनको डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उनको कहने का अधिकार है, लेकिन लोग मन अलग बना चुके हैं, ये तो आप लोगों के बीच में रहते हैं। और भी जानना चाहूंगा, आपने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी की जिस तरह से तारीफ भी की थी, वो वीडियो भी कुछ सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, इशारा कहीं ना कहीं ये होता हुआ नजर आ रहा था कि आप भाजपा का दामन थाम सकते हैं, तो क्या कुछ ऐसी वजहें रही कि आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा? देखिए प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है, और अपने देश का प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे, आप उनकी भी तारीफ करते थे, अब इनके जो अच्छा करता है प्रधानमंत्री को हम रिस्पेक्ट देते हैं, आज ये है या कल कोई और होगा या कल इससे पहले कोई और था, तो देश के प्रधानमंत्री हम देश के नागरिक हैं। कहने का मतलब ये करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छा काम करते हैं तो तारीफ करना प्रधानमंत्री की कोई बुरी बात नहीं है। कहने का तात्पर्य ये था कि कहीं ना कहीं इशारा आप कर रहे थे कि भाजपा में जा सकते, जिससे आपने कहा कि भाजपा वालों से भी मेरी बातचीत जो वो जारी थी। देखिए जब 1.25 साल पहले पार्टी छोड़ी थी, तो डेफिनेटली सभी पॉलिटिकल लीडर्स हम इकट्ठे रहे हैं, सभी पॉलिटिकल लीडर के साथ हमारी चर्चाएं होती रहती थी, मैनिफेस्टोस डिस्कस होते रहते थे, जम्मू कश्मीर का डिस्कस होता रहता था, लेकिन लोगों का ये मन था कि इस ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ चलें जो जात धर्म बिरादरी से ऊपर उठ के और तरक्की की बात करें। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल समीकरण तो सामने आ ही रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पिछड़ चुकी हैं और भाजपा और आपकी टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है? मुझे लगता है कि अभी सिर्फ आप ही आप चल रहा है लोगों के दिलों में, वो तो बड़ी पार्टी है, सरकार है दिल्ली में, इनडायरेक्ट यहाँ सरकार है, तो लोग मजबूरी में बोलते हैं उनका नाम, लेकिन दिलों में वो जगह नहीं बना पाए हैं, दिल से लोगों ने उनको निकाल दिया है। 50+ का नारा भाजपा का है, देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, देते रहे, 90+ का देते, वो हार चुके हैं। हर्षदेव जी के बारे में क्या कहेंगे, क्या वो भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा आने वाले दिनों में बन सकते हैं, जिस तरह की फोटो वायरल हुई है उनकी? वो हमारे बड़े भाई हैं, पॉलिटिकल चर्चा बड़े दिनों से हुई नहीं, जैसे होगी तो आपको बताएंगे। यानी आप ही आप यहाँ पर तमाम आने वाले दिनों में आपका ही यहाँ पर बोलबाला देखा जाएगा? देखिए लोगों के दिल में है ना, ये मेरे और आपके कहने से नहीं होगा, आम आदमी जिसको पूछेंगे तो वो कहता है कि इस बार हमने झाड़ू चलाना है। लोगों ने भी कहने के सवाल ही निशान खड़े कर दिए कि आज राजनीतिक दौर इस तरह पहुंच चुके हैं, इस कदर पहुंच चुके हैं कि फ्री का जो स्लोगन है वो दिया जा रहा है, चाहे बिजली पानी फ्री को लेकर बात। देखिए बिल्कुल कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते किसी को हाथ फैलाने पर मजबूर किया दिया, लेकिन देश की हालात आपने ऐसे कर दी है, इतनी महंगाई बढ़ा दिया कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। हम भी चाहते हैं कि लोग सेल्फ डिपेंडेंट हों, अपने पैरों पर खड़े हों, लेकिन आप देश की एट प्रेजेंटली हालत यह है कि लोग रोजी रोटी उनका कोई जुगाड़ ही नहीं है उनके पास, इसलिए मजबूरी है। ऐसे हालात आने वाले समय में पैदा करेंगे कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को फ्री में लेने की, लेकिन फिलहाल जरूरत है। यानी ये स्लोगन लगातार जारी रहेगा, फ्री बिजली पानी, ये तो आम आदमी पार्टी आज बनी, तो ये जो आज बीजेपी पावर में है तो वो क्या कर रहे हैं, वो 2000 का जो है फ्री राशन का है वो क्या कर रहे हैं? अभी भी कल भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देख रही थी कि हमारे सारे MLA मंत्री जाके डिपुओं पे खड़ा हो जाएंगे और फ्री राशन बांटेंगे, मतलब राशन के बदले में वोट देंगे आप। डेली वेजेस, SPOs, ये तमाम ऐसे मसले हैं, क्या इसके ऊपर लगातार आपकी तरफ से आवाज़ उठाई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त आवाज़ उठाएगी, और मुझे लगता है कि सरकार इतना डर चुकी है, हो सकता आपके प्रेशर से, आम आदमी पार्टी के प्रेशर से ही ये सरकार लोगों के मसले हल करना शुरू करे। आम आदमी पार्टी की सरकार